तो दोस्तों यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ये टॉपिक आपको अभी तक यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यह है बैंक के वैसी के बारे में और रिजेक्ट हुआ है रीज़न डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर। सुना था इससे पहले? नहीं सुना था ना, अब सुनोगे आप, सॉल्यूशन भी सुनोगे साथ ही साथ। व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो। देखिए बहुत ही कम कंसल्टेशन फ़ी है गाइस, सही मैं बोल रहा हूँ आपको, एज़ कम्पेयर टू अदर पी एफ कंसल्टेंट। ओके, बहुत कम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पेड कंसल्टेशन फ़ी है, आई रिपीट माई सेल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपने पी एफ बैंक के वाई सी की रिक्वेस्ट सबमिट किए, आपने किए, चलिए मैं बताता हूँ किसने किया। ये किया है एम्प्लॉयर, सीडेड मतलब किसने रिक्वेस्ट डाला, आप समझ रहे, सीडेड बाय किसने रिक्वेस्ट डाला, एम्प्लॉयर ने। स्टेटस क्या हो गया, रिजेक्टेड, और आगे साइन टाइप नॉट रिक्वायर्ड। और ये इन्होंने रिक्वेस्ट मतलब जो सबमिट किए थे, ओके, वो 23 सितंबर की थी। और आया है रिमार्क्स डाला है पी एफ ऑफिस ने। क्या बोल रहे हो आप सर, कुछ भी मतलब कुछ भी। देखिए मैं बताता हूँ, डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड बाय द एम्प्लॉई, यही है ट्विस्ट। आप समझ नहीं पाते बात को, आप सोचते हैं हम कुछ अलग कह रहे हैं, लेकिन हम कुछ कभी कभी बातों को ट्विस्ट कर देते हैं। अरे क्या सर, आप ही भूल गए होंगे, अरे मजाक कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप खुद बैंक के वैसे सबमिट नहीं कर पाते, कुछ इशू आता है, कोई भी इशू, तो आप अपनी कंपनी को भी बोल सकते हैं, आप अपनी कंपनी को भी बोल सकते हैं। अब सवाल बोलेंगे, अरे हवले कुछ भी बोलता है तू। जब पीएफ में कंपनी रजिस्ट्रेशन करती है तो उस वक्त ऑप्शन ही नहीं आता है, तो भाई उस समय पे नहीं आता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब आपको वो एम्प्लॉय बना देती है, पीएफ में रजिस्टर कर देती है, उसके बाद वो कर सकती है बैंक के वैसे आपके बिहाफ पे। तो और इसका अरे सीधा साधा नमूना एग्जाम्पल है भाई, सीधे बाय एम्प्लॉयर, बात खलास। अभी इसमें आता है कि डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड मतलब मेंबर ने तो बोल दिया, लेकिन मेंबर से कंपनी भूल गई लेना, चेकबुक पासबुक है तो देना पड़ेगा ना। अपलोड क्या करेंगे, अपलोड भी तो करना पड़ता है, अपलोड करेंगे तो अच्छी बात है ना, लेकिन सबमिट ही नहीं करें तो रिजेक्ट होगा। अभी आप इसमें सोचेंगे कि एम्प्लॉयर ने डाला क्यों रिक्वेस्ट, दैट्स अ डिफरेंट केस, ओके, लेकिन मेरा काम तो बताना। तो जब भी आप अपने बैंक को बोले, अपनी कंपनी को बोले, तो आप अपना बैंक पासबुक या चेकबुक दे, पे बैंक स्टेटमेंट या बैंक का पहला फोटो, यू नो, एप्लीकेशन से लिया हुआ स्क्रीनशॉट, ये सब नक्को होला, ओके। उनको चाहिए पासबुक या चेकबुक, नेम प्रिंटेड वाली चेक, पासबुक में सब होना चाहिए प्रॉपर। क्या मैंने बहुत वीडियो बनाया, मैं कवर अप नहीं करूँगा, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।